मेरा सवाल यह है कि जैसे वजू में कोई आजा अगर छूट जाए और थोड़ी देर बाद या दिखे कि ये आजा छूट गया है, बहुत मामूली सा एकदम थोड़ा सा, तो उसे वो आजा भिगा दे या फिर से वजू करना होगा? कि अगर कोई आदमी वजू बना रहा है और वजू बनाते वक्त किसी उजू में कोई थोड़ा सा हिस्सा छूट जाता है, धोने से रह जाता है, तो क्या ऐसी सूरत में जब बाद में उसको पता चले तो क्या वो मुकम्मल वजू को रिपीट करेगा या वो जो छूटा हुआ हिस्सा है सिर्फ उसको धो लेगा? तो इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि वजू के अंदर तरतीब जरूरी है, तरतीब वाजिब है, बल्कि तरतीब वजू के अरकान में से है। तरतीब का मतलब यह है कि जो आजाए वजू हैं, पहले मुंह धोना, फिर हाथ धोना, फिर सर का मसा करना, फिर पांव धोना, ये तरतीब है वजू की। जैसा कि कुरान की आयत के अंदर सूरह मायदा की जो आयत वजू है उसके अंदर जो तरतीब वारिद है, तो तरतीब से वजू करना ये रुकन है। तो मान लीजिए जैसे आप वजू कर रहे थे, आपके हाथ में कोई हिस्सा थोड़ा सा बच गया और उसके बाद आपने पांव धोया और आपका वजू खत्म हुआ। अब बाद में किसी ने बताया कि आपके हाथ में थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। अब अगर आप हाथ को धोते हैं तो जाहिर है यहां पर जो तरतीब मतलूब है वो तरतीब आप नहीं अदा कर रहे हैं, क्योंकि हाथ के बाद पांव को धोना है और जब आपने पांव को धोया है तो आपका हाथ मुकम्मल तौर से नहीं धुला हुआ था। इसका मतलब यह है कि आपको वजू दोबारा मुकम्मल करना होगा। और अगर मान लीजिए आपने मुकम्मल वजू किया और आखिर में अभी एक पांव जो है धो रहे थे, आप पांव धो रहे थे, पांव में छोटा सा हिस्सा छूट गया, पांव में थोड़ा सा हिस्सा छूट गया, वजू करने के फौरन बाद किसी ने आपको तंबीह दिलाया कि भाई देखिए आपका पांव सही से नहीं धुला है। अब यहां पे हम नहीं कहेंगे कि आप वजू को मुकम्मल रिपीट करो, क्योंकि जब यहां आप पांव धो लेंगे तो पांव को आपने पांव की जगह पर ही धोया है, तरतीब में कोई खलल नहीं आया, तो आप पांव को फौरन धो लेंगे। लेकिन अगर पांव आपका छूट गया है थोड़ा सा और थोड़ी देर के बाद आप वहां से निकल गए, थोड़ी देर बाद किसी ने बताया कि आपका पांव सही से नहीं धुला है, तो ऐसी सूरत में आपको मुकम्मल वजू करना होगा, क्योंकि जिस तरह से तरतीब ये रुकन है उसी तरह वजू के अंदर मुवालात भी रुकन है। मुवालात का मतलब ये है कि पै दर पै धोना, दो आजा के दरमियान लंबा फासला नहीं करना। तो आप अगर ऐसा करते हैं कि आपने मुंह धो लिया उसके बाद चले गए चाय पीने, अब चाय पी के आए उसके बाद आपने हाथ धोया, तो हम कहेंगे कि ये वजू सही नहीं है, अब आप मुकम्मल नए सिरे से वजू कीजिए। तो खुलासा ये कि अगर आजाए वजू में से कोई उज्व थोड़ा सा छूट जाए, धोने से रह जाए, तो बाद में आपको मुकम्मल तौर से वजू बनाना है। इसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि आपने एक सहाबी को देखा कि जब उन्होंने पांव धोया तो पांव के पिछले हिस्से में थोड़ा सा हिस्सा धोने से रह गया, बच गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुकम्मल वजू दोहराने के लिए कहा, उनको ये नहीं कहा कि जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है उसको जाकर के उस पर पानी लगा लो, बल्कि मुकम्मल वजू करने का हुक्म दिया। तो अगर आजाए वजू में से कोई हिस्सा छूट जाता है बाद में आपको पता चलता है तो सिर्फ उतना धोना काफी नहीं है, बल्कि मुकम्मल आपको वजू करना होगा, क्योंकि वजू के अंदर तरतीब और मुआलात ये दोनों रुकन है।